Good morning students. Today we are going to solve exercise 4.2. So look everyone in your book. Subtract the following numbers. Some numbers are given here and subtract it. In previous lectures, I already learned how to subtract numbers. Okay. In previous lectures, I have already done how can you subtract any numbers. And this is minute, this is subtract, and this is your result. Okay. So look here, 42,317, 10,605. अब बताओ कैसे सबट्रैक्ट करोगे? क्या देखो 7 7 5 2 1 1 2 इट कैन बी सबट्रैक्टेड. सो टेक बार फ्रॉम हियर 3, सो इट गिव्स 1, दैट इज 11, 11 2 9. बट हियर ऑब्टेन ओनली 2, सो 2 इज 2 माइनस 6 इज नॉट 2 माइनस 6 को क्या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो टेक अगेन बार 12, यहां से क्या करोगे? इसी ये वन है, यहां से 2 हो जाएगा, यहां से कैंसिल कर दिया अपना 11 11 11 2 9, एंड यहां से 1 ले लो, ये 12 12 6 6 1 1 2 1, एंड 4 1 3. क्लियर? वन सी देखिए, 3 3 5, क्या करेंगे यहां से? ये देखिए 0 है, इसमें ये 0 है, यहां से हम बार करेंगे, 6 हो जाएगा, ये 10, फिर यहां से करेंगे 9, ये बन गया करेंगे तो ये 10. ओके, सो राइट हियर 10 वाले 6, सॉरी 10 इस फिर यहां करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 माइनस 5 8 और 9, यहां 9 आएगा, 9 वाले 6 3, 9 4 5, यहां से 7 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 7, यहां से कर दीजिए 5, ये 7 माइनस 9 8, एंड 5 माइनस 2 3. ओके, नाउ 2a क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डिफरेंसेस 50,871 माइनस 23,692. ओके, सो वी कैन फाइंड आई लाइक दिस क्वेश्चन नंबर 2 a b c and e. सॉल्व इन योर सी डब्ल्यू. ओके, थर्ड, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट प्रॉब्लम. थर्ड के सब्ट्रैक्ट 10 इनपुट आउटपुट, 24,976, और जो भी बुक पर फिल करने वाला है उसको बुक पर भी आपको फिल कर लेना है. क्लियर? अब इसको देखिए, इसमें से हमें 10 सब्ट्रैक्ट करना है. कितना करना है? 10 सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करने का रिजल्ट आएगा, उसे मैं आउटपुट में फिल करना है. ओके, सो सब्ट्रैक्टेड 6 माइनस 0 6 7 माइनस 1 6 9 4 2, यहां क्या फिल करोगे? 2 4 9 6 6. ओके, ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन हम क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर लेना है. बी देखिए, सब्ट्रैक्ट 100 सब करना है 6 9
2, 4, 3. Okay, minus series कर लीजिए. 3, 4, 1, 9, 6. This is your output. Clear है? यहाँ देखिए, input में ये वैल्यू है, आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये वैल्यू आ गया. इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करना, 10 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू इसमें पुट करने हैं, इसमें भी 10, ओके? यहाँ पे 100, आप इसमें से क्या करोगे? 100 सब्ट्रैक्ट करोगे. 100 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आउटपुट में क्या करना है? फिल कर लेना है. ओके, ये बताओ कितना है यहाँ? 69,143. ओके, विच आर द टू इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है क्वेश्चन 4 में. ये क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क रहेगा, इसको चेक करके बता देना कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं. Now checking subtraction. How can you check your subtraction if right or wrong? How can you check your subtraction is right or wrong? अगर आपके पास आप जो सब्ट्रैक्शन अभी तक करते आ रहे हो, कि आप कैसे चेक करोगे कि जो मैंने सब्ट्रैक्शन किया हुआ है इट इज राइट और रॉन्ग. सो लेट्स टेक एग्जांपल. सपोज यू सब्ट्रैक्ट 5 - 3 = 2 एंड इन प्रीवियस लेक्चर्स दिस इज माइन्यूट, दिस इज सब्ट्रैक्ट. Difference. Okay. So for checking difference plus subtract is equal to b minus. ओके, सो लुक हियर, इसे मान लीजिए अगर आपको ये चेक करना है दिस इज राइट और रॉन्ग. ओके, देन दिस इज माइन्यूट, दिस इज सब्ट्रैक्ट एंड योर डिविडेंड. क्लियर? नाउ हाउ यू चेक इट, इफ यू ऐड डिफरेंस विद सब्ट्रैक्ट, अगर आप डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट को ऐड करते हो, ऐड करने के बाद अगर ये वैल्यू माइन्यूट के इक्वल आता है देन ये सब्ट्रैक्शन इज राइट. सो चेक इट, 2 + 3 = 5. ओके, एंड टू द डिफरेंस एंड 3 सब्ट्रैक्ट and find your value. ओके, तो आप ये देख रहे हो कि जो डिफरेंस के साथ हम सब्ट्रैक्ट का एडिशन कर रहे हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे क्या हो रहा है? माइन्यूट इक्वल आ रहा है. इट मींस योर सब्ट्रैक्शन इज राइट. क्लियर? तो अगर किसी भी सब्ट्रैक्शन को आप चेक करना है
your subtraction in the right or wrong, then we check and like this. इस तरह से आप चेक कर सकते हो. ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एक्स आई 4.3 का. नेक्स्ट टेक एग्जांपल एग्जांपल 4.3 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 ए. Exercise 4.3.